मुरादाबाद। आज मुरादाबाद में श्री बालाजी सेना भारत हिंदू संगठन द्वारा संचालित श्री राम सीता रसोई का आयोजन प्रकाश नगर ब्रज कॉम्प्लेक्स परिवार की ओर से किया गया, जिसमें स्वर्गीय श्री ब्रज बिहारी शर्मा जी की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। वहीं स्वर्गीय श्री ब्रज बिहारी शर्मा जी की पुत्री डॉक्टर श्री गीतिका शर्मा जी ने बताया कि आज श्री राम सीता रसोई का आयोजन निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम ब्रज कॉम्प्लेक्स पर किया गया है। उन्होंने ये भी बताया, व्यक्ति को अच्छे कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि अच्छे कार्य करने से ही व्यक्ति अच्छा होता है। वहीं उन्होंने अपने पिताजी श्री ब्रज बिहारी शर्मा जी को याद करते हुए कहा कि हमारे पिताजी की लोगों के प्रति सेवा भाव बहुत रहता था। इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए अपने पिताजी की पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए श्री राम सीता रसोई का आज आयोजन किया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। दो बोल क्या कहना चाहेंगे आज श्री राम सीता रसोई के माध्यम से? सभी को नमस्कार। आज श्री राम सीता रसोई प्रकाश नगर चौराहे पे लगाई गई है और यह सामग्री में हलवा है, पूड़ी है और आलू की सब्जी है। और यहाँ पे लगभग अभी तक 200 से 250 भक्त लोग भोजन ग्रहण कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन माह चल रहा है और सावन माह में हमारी रसोई 30 तारीख में और लगाई जाएगी, जिसमें भंडारे का आयोजन किया जाएगा श्री राम सीता रसोई द्वारा। सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, सभी लोग आएं और भोजन ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, ये रसोई किसके सौजन्य से लगाई जा रही है? ब्रज परिवार की तरफ से लग रही है। डॉक्टर ब्रज बिहारी जी लगाई जा रही है, वो हमारे बड़े पद्म होते हैं। कुछ याद ताज़ा करने के लिए हमने ये रसोई का आयोजन किया है, श्री राम रसोई, जिसके चार अनिल कुमार शर्मा है, उनके जो है उनके पुराने मित्र थे डॉक्टर बिहारी शर्मा का। कितने भक्त लोगों ने भोजन ग्रहण कर चुके होंगे अभी? 1500 श्री राम सीता रसोई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये आयोजन उनका बहुत ही अच्छा आयोजन लगा। इस हिसाब से उन्होंने मेहनत करी, जैसे दो साल चलते पक्षों से सत्याना जी लगे पड़े हैं हमें, और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ही पूरा सब मिलजुल के काम करें तो आगे रसोई बहुत कामयाब होगा। सर, ये कार्य कब तक चलता रहेगा आगे भी? ये अभी दो ढाई घंटे और लगेगा। आज जैसे आपने आज समाज हित में जो कार्य किया है, क्या आगे भी कोई करना चाहते हैं या ऐसा? हाँ, प्रयास रहेगा, हर महीने ये प्रयास करते रहें। इस बहाने गरीबों को इसकी व्यस्त हो जाती है, वो जब अपने श्री राम सीता रसोई का जो आयोजन किया जा रहा था, क्या कहना चाहिए? देखिए, श्री बालाजी सेना हिंदू संगठन के तत्वाधान में सीता रसोई का आयोजन किया गया और ये स्वर्गीय डॉक्टर ब्रज बिहारी शर्मा जी के परिवार द्वारा आयोजित की गई है। और उसमें हमारा ये श्री बालाजी सेना हिंदू संगठन हमेशा सामाजिक कार्यों में निरंतर आगे रहा है। आज इस रसोई के आयोजन में भी हमारा संगठन सबसे आगे आ गया है और इन्होंने एक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। सर, कब से शुरू किया है? सर, पिछले कई वर्षों से चल रहा है और इसी तरह से निःशुल्क हर पेट भोजन कराया जाता है। तो सामग्री में क्या क्या सामग्री बनाई हुई है? हलवा है, पूड़ी है, आलू छोले की सब्जी है। लगभग कितने भक्त लोग भोजन ग्रहण कर चुके हैं? लगभग अभी तक 1500 से 2000 व्यक्ति के आसपास भोजन ग्रहण कर चुके हैं। सर, अगली रसोई आपकी कब लगाई जाएगी और कहाँ पर लगाई जाएगी? देखिए, एक रसोई का हमारा प्रोग्राम ये कल भी रहेगा। कल बुढ़नपुर की साइड में एक रसोई लगाई जाएगी, वहाँ भी बड़ी रसोई है हमारी, सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट की जाएगी और शाम तक रसोई चलेगी। अच्छा, इस समय कहाँ पर लगाई जा रही है रसोई आपकी? इस समय ये ब्रज कॉम्प्लेक्स है, लाइन पार्क, मुरादाबाद में। किसके सौजन्य से लगाई जा रही है? डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर ब्रज बिहारी शर्मा जी के परिवार के सौजन्य से। भक्त लोगों के लिए जो भोजन ग्रहण करना है और जो संस्थाएं चल रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सामाजिक कार्य के जो निःशुल्क व्यवस्था थी, वो सभी संस्थाएं मेरे कहने से तो आगे आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्था बहुत सराहनीय कार्य है और करते रहना चाहिए। सर, समाज श्री राम सीता रसोई के लिए क्या कहना चाहिए? श्री राम सीता रसोई ऐसे ही निरंतर कार्य करती रही है और आगे भी हमेशा ऐसे ही निरंतर कार्य करती रहेगी। हम लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराती रही और हमेशा कराती रहेगी। डॉक्टर गीतिका शर्मा,
मैम आज ये रसोई किसके सौजन्य से लगाई जा रही है? एक्चुअली मेरे फादर साहब ने डॉक्टर बिल बिहारी शर्मा 16 नवंबर 2016 में उनका देहांत हो गया। उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था दूसरों रत्न, बस उसको अपने साथ लेकर आ गए। उन्हीं के सौजन्य से आज ये व्यवस्था की गई है कि हम सब चाहे उनसे को गरीबों को खाने का वितरण दिया गया है। आगे भी ये चीज़ें लगातार रहेंगी। जैसे मैंने आपसे अभी 16 नवंबर कहा तो आने वाले टाइम में हर 16 नवंबर को सोई राम सीता रसोई के सौजन्य से हम लोग ये कार्यक्रम आगे हर साल करते हैं। अच्छा, लगभग क्या क्या सामग्री में बनाया गया आपके द्वारा? हलवा जिसमें आलू की सब्जी पूरी सब का वितरण किया। ये अच्छे कार्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना उसे हो सके हमें मदद करिए, गरीबों की सेवा करिए, क्योंकि एक चीज़ है इंसान दुआओं से बनता है और बददुआओं से बिगड़ता है। तो जितना हो सकता है हम ये दुआएं लेंगे तो आगे चल के शायद क्या इंसान दुआओं से बनता है और बददुआओं से बिगड़ता है। तो जितना हो सकता है हम ये दुआएं लेंगे तो आगे चल के शायद हमारा यहाँ तो जीवन सफल ही होगा, लेकिन ऊपर भी जब हम जाएंगे तो हमारे कर्म हमारे साथ। श्री राम सीता रसोई के ट्रस्ट को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि जो लोग बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं कर पाते हैं वो अगर अपनी इच्छा से करना चाहें तो छोटी छोटी पहल भी, छोटा छोटा इन लोगों का साथ भी आगे चल के हम लोगों का हासिल करा सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब।